अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, होपफुली यू आर फाइन। कैसा आप सब लोग जी? मामा ने लिपस्टिक लगाई हुई है और आपने क्या लगाया हुआ है? टिंट। वाओ, आप ब्लैक ब्लैक हो गई हो। अच्छा, मैं ब्लैक ब्लैक हो गई हूँ। हाँ, मैं तो टिंट टिंट हो गई, पिंक पिंक। अच्छा, आप टिंट टिंट पिंक पिंक हो गई हो, मैं ब्लैक ब्लैक हो गई हूँ। देख लें अब आप लोग, बच्चों को भी सब पता चलता है। अच्छा जी गाइस, ऐसा सीन है कि मैं और फरहान जो है ना आज आ रहे हैं पैकेजेस मॉल, क्योंकि आपको पता है कि ब्लैक फ्राइडे की सेल लग गई है। अच्छा, हम सिर्फ जा रहे हैं मॉल, ठीक है? ओनर तो मैं ही हूँ मॉल की, आप सब लोगों को जैसे कि पता है। और हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? और अभी जो ना हम लोगों ने सोचा कि काफी अरसे से जो ना फरहान ने कहा कि यार सर्दियाँ आ गई हैं, सेल्स भी लगी हुई हैं। मैंने कहा यार मियाँ आप भी शॉपिंग करो, क्योंकि फरहान का वेट जब गेन हो जाता है, एक सेकंड आई माँ, जब फरहान का वेट गेन हो जाता है, फरहान को पुराने कपड़े फिर पूरे नहीं आते, तो हर साइज के कपड़े फरहान को लेने पड़ते हैं हर कुछ अरसे के बाद। कैसा है सीन है फरहान? ये क्या देख रहे हैं? जो कह रही है सही कह रही है। कौन? दीदी वैसे भी सही कहती है, बेगम वैसे भी सही कहती है। यस आयमा, बेगम की गुलाम है। ओ वाओ, दिस इज आयमा कार। आयमा की दो चुटिया कैसी लग रही हैं आप बताएं जरा? बहुत ही प्यारी। आज तो इतना कोई रश है ना यार, बस ये अल्हम्दुलिल्लाह जरा पैकेजेस मॉल हम पहुंच गए हैं। वो देखे सामने दूर से नजर आ रहा है या नहीं ब्लू लाइट? और अब ऐसा सीन है कि आज जो ना मैं आप लोगों को बता दूंगी, आज मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कहाँ पे मुझे कपड़े पसंद आए हैं। आप लोग जाके देख सकते हैं, 3 दिन की सेल्स लगी हुई है। क्या हो गया यार, 3 दिन सेल्स लगी हुई है। मैं कल वीडियो अपलोड करूंगी, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। फिर सेल्स बहुत अच्छी थी, फरहान ने भी कपड़े लेने थे, जेंट्स का भी बता दूंगी, और जो है ना मैं आपको बाकी भी बता दूंगी कहाँ पे आप लोग जाएं और विजिट करें, ठीक है जी? जहाँ मुझे पसंद आ रहे होंगे मैं वहाँ का आपको बताऊंगी। अच्छा जी, सबसे ज्यादा मेरे से एक्साइटमेंट जो है ना सबसे ज्यादा आयमा को होती है पैकेजेस मॉल की। आयमा, कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें आप जी, जाता देखें बच्ची को, माँ बाप को तो पहचान ही नहीं रही। बेटा रुक जाओ, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, डोंट गो। अच्छा जी गाइस, अभी जो ना मैं एथनिक पे आई हूँ, आज आप सब लोगों को पता है कि एथनिक जो है वो मेरा बहुत फेवरेट ब्रांड है, ठीक है? और आप ये देखें कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स लगे हुए हैं, 3 पीस भी बहुत अच्छे हैं, फ्लैग 30% ऑफ लगा हुआ है, आप लोग मस्ट विजिट करें। एम्ब्रॉयडर्ड आपको को ऑर्डर्स हर तरह की चीज़ें, ये देखें 2 पीस लगे हुए हैं, सारा मोटा स्टफ आया हुआ, आपको कोई भी पत्ता नहीं मिलेगा, ठीक है? लेट्स गो। और ये देखें जी, ब्लैक में फ्रॉक लगी हुई है, और बाकी बस थोड़ा थोड़ा मैं विजिट करा सकती हूँ, आपको पता है कि ये ज़्यादा नहीं दिखाते। ट्राउज़र्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, आपको ट्राउज़र्स इजीली मिल जाएंगे, आप यहाँ से आके लें। और बाकी बहुत वाइब्रेंट कलर्स लगे हुए हैं, लाइक आपको येलो में मिलेगा, डार्क डार्क कलर्स, ये देखें ब्लू में, देखें ये वाला आप देखें जब करें, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। अच्छा जी गाइस, आज जो है ना मेरी दोस्तें मुझे शॉपिंग करा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। कैसा है बताओ यार? मैं एक बार बताती हूँ आप लोगों को कि मैं शॉल पहन के आ गई अपनी तरफ से, कि नवंबर है और सर्दियाँ, इतना ज़्यादा दम घुट रहा था, आप लोग यकीन करें कि मेरा इतना दम घुट रहा था कि मैंने अभी यहाँ से न्यू फ्रॉक लिया है, वो भी लॉन का फ्रॉक लिया है, कैन यू गाइस इमेजिन? और वो पहना है अभी दो, अब लोग मुझे बिल्कुल पेंडू समझ रहे होंगे अपनी तरफ से। पहले मैं ट्राउजर शर्ट पहन के आई थी, ऊपर केप शॉल, और साथ में मैंने पहन लिए थे जॉगर्स। और अब ऐसा सीन है कि अब जो है ना मैंने अब मैंने ऊपर से फ्रॉक पहन लिया है, वो भी ट्रेडिशनल, और नीचे जॉगर्स। लेवल चेक करें आप, तो लाहौर का मौसम ही ऐसा है। क्या सीन है यार, पता नहीं कब आएंगे लाहौर में सर्दियां। शांता, तुमने कुछ नहीं खरीदा? मैंने लेना है अभी। और प्लान आपने बनाया? फाइंडिंग, यू आर फाइंडिंग कुशंस। अच्छा अच्छा जी गाइस, अभी जो ना मैं आई हुई हूँ खाड़ी पे, और खाड़ी पे 50% ऑफ लगा हुआ है हाउस होम्स पे। यार कैसा है कुशन? अच्छा, 50% ऑफ पे है? नहीं, इन पे ऑफ नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुशन आप लोगों को हर तरह के मिल जाएंगे, बहुत प्यारे प्यारे से, ठीक है? और बाकी बहुत प्यारे कपड़े आए हुए हैं, आप लोग मेरी रिकमेंडेशन पे खाड़ी पे ज़रूर आए। खाड़ी पे बहुत सेमी फॉर्मल से भी आए हुए हैं, आपको इस तरह के भी मिलेंगे, ठीक है? कैजुअल में आप लोगों को एक ओवरलुक करवा देती हूँ, ठीक है? और आप ये देखें कि आजकल ना इस पर तिल्ले वाले जिस तरह का काम है, ये देखें ये फ्रॉक है, अब इस तरह के तिल्ले वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैं। सेल नहीं लगी हुई, जैसे कि आप ये देखें शॉकिंग पिंक में है, ऑरेंज में आप ये देखेंगे कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा जी, बाकी जो है ना आप लोग खाड़ी पे आए हैं ज़रूर, यहाँ पे वीडियोस नहीं बनाने देते ज़्यादा, तो आप लोग यहाँ पे आके जो है ना ले सकते हैं।
और बाकी जो ना यार तुम लोगों ने ले लिया या नहीं, क्या ये बेडशीट उठा के ठहरे हुए हो। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना मैंने विजिट किया सना सफिनास। सना सफिनास पे बहुत कमाल सेल लगी हुई थी, 40% ऑफ था, 60% ऑफ था, ज़्यादा जो थे फैंसी कपड़ों में बहुत ऑफ लगा हुआ था। आप लोग मस्त विज़िट करें, बहुत ही कमाल कपड़े थे, मतलब कुछ पे सेल नहीं भी थी लेकिन मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। जिसकी भी कोई शादी होने वाली है तो वो ज़रूर विज़िट करें, और बाकी सर्दियों के भी आइटम्स मिल जाएंगे। बाकी मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ, आप लोग इन्जॉय करें। ऐसा सीन है कि हम लोगों ने शॉपिंग वॉपिंग कर ली है, मॉल वालों ने हमें बाहर निकाल दिया है। मैंने वैसे कुछ नहीं खरीदा, मेरा मियाँ बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन इनके मियाँ रो रहे हैं। रोते हुए नजर आ रहे हैं आपको, वो देखिए वो बोलना चाहता हूँ, आपने वो मीम देखी है ना जिसमें कहते हैं हंसते आते चेहरा, मतलब है नहीं है कि फरान तो वैसे बहुत खुश है। फरान भाई ना शादी से पहले ना जब तुमसे शादी होने लगी थी ना, एक जोशी के पास से लगे उसको हाथ दिखाए। अच्छा, शादी के बाद आपकी जिंदगी में मुश्किलात ही मुश्किलात है, बेगम आपका जीना आराम करे दो साल तक। फरान भाई ने कहा उसके बाद कहता आपको आदत हो जाएगी। सिर्फ मैंने एक ये कुर्ता लिया है वहाँ से बस, और एक जूती ली है, वो भी मैं बंद जूते पहन के चली गई थी वहाँ पे, दम घुटने लग गया था डिग्गी में। वो तो मैंने मॉल वालों को कहा मुझे खाली शॉपर दे दो, खाली शॉपर लिया बस। अच्छा, हम भी अंदर खाली शॉपर सबसे ज्यादा लगे। अब बहुत ज्यादा भूख लगी है, अभी हमें आए हैं डेली डेली को, यहाँ पे बर्गर खाएंगे। मुफ्त की मार्केटिंग, मुफ्त की मार्केटिंग नहीं, मुफ्त की नहीं, मैं खाऊंगी ये कहाँ है। और इस दफा ये टंजी जलपीनो, जलपीनो और हमें हमारा ट्रीट नहीं जलपीनो। और यार मेरे मियाँ ने आज शोशा छोड़ दिया कि तुम लोगों ने कभी भी YouTube की ट्रीट नहीं ली, तो तुम जरा ट्रीट दे दो। कोई नहीं, मैंने कहा सस्ते से बर्गर है 300-400 रुपए के, एवं पता है कुछ भी नहीं है। अच्छा कितने के हैं ये, 500-600? मुझे तो 200 नजर आ रहा था, 220 प्राइस है, हम खाए कढ़ाई ने। अच्छा खा लो फिर जो ना, मेरे तो ये नहीं खाना वैसे भी। क्यों? मेरा बर्गर आ रहा है। शांता तुम्हारा क्या आ रहा है? मैं जो है अभी घर पे वापस आई हूँ, यकीन करे आज ठंडी कोक पिए ना, ओए होए होए होए, तबीयत फुल खराब हो गई है फुल। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को ये बताना था कि आप लोग कहाँ से कपड़े लें, आप लोग एथनिक पे जाएं, एज आप सब लोगों को पता है मेरा बहुत फेवरेट ब्रांड है, वहाँ पे बच्चियों के कपड़े आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, मतलब हर कैटेगरी के कपड़े वहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं। और दूसरी बात यह कि मैं खाड़ी पे गई थी, जिंदगी में पहली बार खाड़ी मुझे पसंद आया, कैन यू गाइस इमेजिन। और 50% ऑफ लगा हुआ था बेडिंग्स के ऊपर, सफायर की भी, और जो है ना होम्स के ऊपर जो भी है, होम खाड़ी और होम जो उसका सफायर का है, 50% ऑफ था। अगर आप लोगों ने घर की बेडशीट्स वगैरह लेनी है तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। और बाकी जो है वैसे सफायर की भी मुझे पसंद है बेडिंग्स, लेकिन खाड़ी की भी बहुत अच्छी है। और सबसे मज़े की बात कि ज़िंदगी में पहली बार मुझे खाड़ी इस दफ़ा अच्छा लगा वहाँ पे, मतलब कपड़े अच्छे आए हुए थे। और खाड़ी पे कपड़े इस तरह के कि जैसे ढोलकी कोई आ रही है या कुछ इस तरह, मतलब तिल्ले वाला काम ज़्यादा था, जैसे कि सेमी फॉर्मल कपड़े आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जिस तरह एथनिक पे भी मिल जाते हैं। बाकी एथनिक पे तो तबाही हुई हुई थी, कोऑर्डर पे कोऑर्डर सब ले रहे थे, लेकिन मैंने वहाँ से कोई भी कोऑर्ड नहीं लिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी कुछ पठानों से लिए हुए थे और मैंने जनरेशन से कपड़ा लिया था, तो उसको मैंने स्टिच होने दिए। मैं वो यूं ही मेरे स्टिच होके आएंगे, मैं आप लोगों को उसकी डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी। ठीक है, तो सॉरी फॉर डैट कि मैं इतने अरसे से आपको कह रही हूँ कि सर्दियों के कपड़े मेरे सिल रहे हैं सिल रहे हैं सिल रहे हैं। सीन ऐसा है कि फरहान की वजह से वो सारी चीज़ें बहुत डिले हो गया, लेकिन सून मैंने टेलर को कहा कि बस 2 दिन के अंदर मुझे दो फ़ौरन से किसी के भी कपड़े मत स्टिच करो, सिर्फ मेरे कपड़े स्टिच करने हैं। और बाकी वैसे मेरा टेलर भी बिजी था, वो कहीं शादी वगैरह थी तो गया हुआ था, इसलिए मेरे कपड़े स्टिच नहीं हुए। कुछ हो के आ गए हैं तो इंशाल्लाह सून जो है ना, मेरी तबीयत ही अब ख़राब हो गई है। 2 दिन तबीयत ठीक होती है, मैं रेगुलर होती हूँ व्लॉगिंग में, फिर तबीयत मेरी ख़राब हो जाती है।
और अब गला तो बिल्कुल ही खराब हो गया। ठीक है, तो आप लोग बेडिंग्स भी ले सकते हैं, सफायर पे जाएं, बाकी बच्चों के कपड़े आउटफिटर्स ब्रेकआउट हर जगह सेल लगी है, आप लोग हर जगह से कपड़े ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरी शॉपिंग जो है वो अभी गाड़ी की डिग्गी में पड़ी हुई है, हिम्मत नहीं अभी दिखाने की। वैसे भी मैं आप लोगों को जो है ना दिखाती हूँ ड्रेस डिजाइनिंग में वीडियोस, तो फिर वो ये कि मेरे वो कपड़े तब काम आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको कपड़े नहीं दिखाऊंगी या शॉपिंग नहीं दिखाऊंगी, जरूर दिखाऊंगी। और अभी भी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो होपफुली यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप यार लाइक करें, देख लें, आप लोगों की वजह से जब मैं जाती हूँ ना शॉप्स पे, यकीन करें कभी कौन आ रहा होता है, बंद कर दे कैमरा, बंद कर दे, फिर भी मैं ढीटों की तरह वीडियो बनाती रहती हूँ, लेकिन जितना मेरे से बन सकती है। लेकिन आपको पता है पैकेजिंग स्मॉल में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, ब्रांड्स पे बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाने देते। अब जो है ना गला तपा हो गया बिल्कुल कोक पी के। होपफुली यू लाइक माई वीडियो, और अल्लाह करे नींद आ जाए, खैर समझ जाए। टेक केयर, लव यू एवरीवन, अल्लाह हाफ़िज़।